गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब लोग? आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना गुडविल का अगला टॉपिक, वैल्यूएशन का औसत लाभ विधि। ठीक है ना, सबसे बेसिक है और आसान तो है ही है। ठीक है, जैसा अपन ने पढ़ा था पिछली बार, फॉर्मूले वगैरह बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं सिंपल। ठीक है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, इस लाइन का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसका मतलब ये था कि आज मैंने करंट ईयर में गुडविल जो कैलकुलेट करी है वो मुझे लगता है कि अगले 3 साल तक रिपीट होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इस साल गुडविल निकाली, वो निकल के 10,000 की, इस साल की करंट ईयर की 10,000, और मुझे लगता है कि ये 10,000 अगले 3 साल तक रिपीट होंगे, अगले साल फिर से 10,000 कमाऊँगा, उससे अगले साल फिर से 10,000, ऐसे 3 साल तक 10,000 रुपये मैं अपनी गुडविल से कमाऊँगा। तो मुझसे कोई आज ये पूछे कि बताओ आपकी कम्बाइंड गुडविल कितनी है आज के टाइम पर, तो मैं कहूँगा 30,000 रुपये है मेरी गुडविल। मुझे आज लगता है कि अगर मैं मेरे बिज़नेस को बेचना चाहूँ, ठीक है ना, तो मैं अगले से मेरा बिज़नेस वो 3 साल तक और चलाएगा मेरे नाम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 30,000 रुपये मेरी गुडविल से और कमाऊँगा, तो मैं उस इंसान से क्या करूँगा, 30,000 रुपये गुडविल के दाम पर ले लूँगा। ठीक बात है, तो ये वही लाइन है कि 3 सालों तक मुझे लगता है कि वो रिपीट हो जाएगी। क्रय का मतलब अगर बिज़नेस को परचेज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि 3 साल तक रिपीट हो जाएगी। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ से ख्याति की गणना कीजिए। सिंपल बोला है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, इसका आप एवरेज कर लीजिए, औसत निकाल लीजिए, और उससे तीन सालों के हिसाब से आप क्या कर दीजिए, गुडविल निकाल दीजिए। फॉर्मूले पे नहीं जाना, पहले अपने पास कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने कहा था बेटा सुपर प्रॉफिट ही क्या होता है, गुडविल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, बात देखें ज़रा। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ। अब अधिलाभ का मतलब क्या था, अधिलाभ का मतलब था कि जितना मैं नॉर्मली प्रॉफिट कमाता हूँ मेरे बिजनेस से, ठीक है ना, और उसी पैसे को अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो उससे मैं कितना कमाने वाला हूँ, वो जो डिफरेंस है वही तो क्या है, अधिलाभ है। और इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, गुडविल देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल तक रिपीट होने वाला प्रॉफिट है, तो मैं बोलूँगा कम्बाइंड में मेरी गुडविल कितनी है। यही तो था अपना बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर बोला औसत लाभ के हिसाब से काम करो, तो हम इसी को एलोबरेट करते हैं। देखो ज़रा, अधिलाभ मैं कैसे निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ औसत लाभ में से माइनस कर देता हूँ क्या, सामान्य लाभ। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 एज पर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा, औसत लाभ जो भी अपना है, क्वेश्चन में बता रखा है औसत लाभ मुझे क्या निकालना है, 5 सालों का एवरेज करना है। तो एक बार मैं एवरेज कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए ज़रा कितना कितना प्रॉफिट है, 5,000 एवरेज मैंने सिखा रखा है आपको पहले से ही, 4,000 प्लस 7,500, उसके बाद में आपका लॉस है, ठीक है ना, तो लॉस को करेंगे माइनस 3,500, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ 7,000 का डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये क्या निकलेगा आपका, औसत लाभ निकलेगा। ओके जी, कितना निकलेगा अमाउंट, सर इसका अमाउंट निकलेगा 4,000। ठीक बात है, 4,000। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस से नॉर्मली 4,000 रुपये तो कमा ही लेते हैं, तो बताओ सामान्य से कितना ऊपर कमाते हैं, वही तो हमारा गुडविल है। मेरी बात सुनना ध्यान से ज़रा, इस क्वेश्चन में सामान्य लाभ आपको पता ही नहीं होगा, इसका एक रीज़न है। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस चालू करा, ठीक है, नया बिजनेस आपने मैन मार्केट में स्टार्ट नहीं किया, मार्केट में स्टार्ट नहीं किया, आपने कहीं पे बैक साइड में स्टार्ट किया मान, ठीक है ना, बैक साइड मतलब जहाँ पर मार्केट नहीं है, आपने ऐसी जगह पे स्टार्ट कर दिया बिजनेस, और क्या सोच के करा कि मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को जमाऊँगा, ठीक है ना, और उस बिजनेस को अपने नाम से चलाने वाला हूँ,
कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मैटर ही नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10 लाख रुपये लगा दूँ कैपिटल के तौर पर और मैं उसका 10% कमाना चालू कर दूँगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर ही नहीं आता। लोग मुझे धीरे धीरे जानने लगेंगे तब जाकर के मेरे पास आने लगेंगे, यानी कि जो भी आएंगे वो कम्प्लीटली मेरी नाम की वजह से, मेरी गुडविल की वजह से ही आएंगे, मेरी कैपिटल की वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। ऐसे मार्केट में मैं हूँ, ऐसा मार्केट में मैं हूँ। इसका क्या मतलब है कि सामान्य लाभ कमाने की पॉसिबिलिटी तो बेटा ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो गई ना, तो सामान्य लाभ तो मैं कमाऊँगा ही नहीं। कभी कभी नहीं देखते आप अपना, आपका कोई दोस्त वगैरह या कोई भी छोटा मोटा कोई काम करता हो तो आपको नहीं बोलता स्टार्टिंग में कि यार अभी तो ना मैं सिर्फ खर्चा निकालने के लिए काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि बस मेरा जो बिज़नेस चल रहा है उसका लाइट पानी का बिल निकल जाए, किराया निकल जाए, मैं कमाने की नहीं सोच रहा। होता ना साहब, बोलते हैं कि मैं कमाने की तो सोच ही नहीं रहा। ठीक है, मैं तो पहले बिज़नेस को जमाऊँगा उसके बाद कमाऊँगा, ठीक है ना। तो जमाने का मतलब क्या, सामान्य लाभ तो ज़ीरो आ रहा है बेटा। तो इस मेथड के अंदर क्या माना गया है, ये उन बिजनेसेस के लिए है जहाँ पे सामान्य लाभ ज़ीरो होता है। तो सब माना गया कि सामान्य लाभ जिन बिजनेस का ज़ीरो है, ठीक है ना, और औसत लाभ कितना है 4000 है, तो 4000 में से ज़ीरो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4000 ही बचेगा। और 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12000। तो 12000 आपका क्या निकल गया, गुडविल। इसीलिए क्योंकि ज़ीरो मानते हैं तो इसको यहाँ पे लिखने का कोई रेलिवेंस ही नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है। इसीलिए सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाता है, औसत लाभ इनटू ईयर परचेज। तो मैंने लिख दिया औसत लाभ इनटू वर्षों की क्रय संख्या, तो वर्षों की क्रय संख्या कितनी है, 3 है, और सीधा औसत लाभ लिखा क्योंकि यहाँ पर सामान्य लाभ क्या है। तो अब इस केस में क्या हुआ बेटा, औसत लाभ ही क्या बन गया आपका, अधिलाभ बन गया। भाई माइनस तो करना था, जीरो से माइनस हो नहीं पाया, तो वही तो औसत लाभ ही क्या बन गया, अधिलाभ बन गया। ठीक बात है, इसीलिए इसके अंदर ऐसा सीन है, सिंपल है, बस यही काम करना आपको। इसी चीज़ को जो है हम वेटेड एवरेज से भी करते हैं, इसी चीज़ को क्या करते हैं, वेटेड एवरेज से भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको वेटेड एवरेज भी लगा लेता हूँ, और आपको सिंपल है, वेटेड एवरेज कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। या फिर हम काम करते हैं, एक सेकेंड रुकना, ज़रा वेट करना, हम ऐसा करते हैं क्योंकि वेटेड एवरेज अपना और भी कहीं पे काम आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी था वेटेड एवरेज, वहाँ भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसी एग्जांपल को लेकर के वेटेड एवरेज काम करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।